आइए हम ले चलते हैं कुरुक्षेत्र के अंदर अंतर्राष्ट्रीय महा उत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, उसमें कुछ अपनी पुरानी संस्कृतियाँ झलक रही है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो पुरानी संस्कृति यहाँ पर कुरुक्षेत्र के अंदर दिखाई गई है, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के एक अंदर वही पुरानी संस्कृति दोबारा भी झलकी है। उसके तौर पर जो यहाँ पर जाल लगाए गए मेरे पास आयुष जी खड़े हैं जो पुरानी संस्कृति को लेकर हमारे सामने पहुँचे हैं। संस्कृति में जुड़े हुआ आज आपको ये मौका मिला है यहाँ पर ये सबसे पहले तो संस्कृति का ये सबसे जो प्यारा ये दामोड़ होता है, ये सबसे ज्यादा सुंदर है, ये उनका ये बोलना, ये उनकी कहनी, ये सारा हमें सिखाता है कि हमारे यहाँ से पहले कि इन सब में कितनी सुंदर लगती थी और उनका जो पहनावा था जो आजकल भूल चुके हैं कि वो चीज़ क्या होती है वो हम वहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो महिला में आप ये इस स्टाल पर लग रहे हो तो कैसा महसूस हो रहा है? बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हमें यहाँ पे संस्कृति का पहनावा मतलब लोगों को दर्शाने के लिए मिल रहा है कि इतना सुंदर पहनावा है कि हमें यहाँ पे खुशी होती है कि हम पहले के लोगों का जो था कि हम जो आजकल भूल चुके हैं ये मिलते भी नहीं है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो आप कैसा महसूस कर रहे हो, जनता को लेकर संदेश रहेगा? जनता को हम ये दिखा रहे हैं कि जो चीज़ें लोग पूछते हैं कि दीदी ये क्या है, ये लोग क्या थे, इसको क्या कहते हैं, ये क्या था, फुलकारी टाइप का या सुंदर की कैसे यहाँ पर चल रही है और इसी के लगते जो पगड़ी बांधने में माहिर है हमारे पास पपोसा जी भी पहुँचे हैं जो लगातार हर एक वर्ष गीता जयंती पे पगड़ी बांध कर अपनी रस्म को दिखाते हैं और ये नहीं कोई एक मिनट में पता कितनी पगड़ी बांध देते हैं। अरे हमारे पास खड़े हैं पपोसा जी, आइए हम उनसे भी बात करेंगे। पपोसा जी क्या कहेंगे लगातार गीता जयंती पे आप पग बांधने का काम करते हो, कितने मीटर कितने सर पग बांधते हैं? और इस हरियाणवी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए मैं आपका व्यक्ति का भैया से धन्यवाद करता हूँ। और रही बात पगड़ियों की, मैं पिछले 24 साल से पगड़ियाँ बांध रहा हूँ और मैंने माननीय मुख्यमंत्री राज्यपाल बाहर के राष्ट्रपति हुए बहुत सारे बॉलीवुड के कलाकार और बहुत सारे जाने माने हस्तियों को मैंने पगड़ी बांधने का काम किया है। आज भी हमारे पंडाल में मॉरिशस के राष्ट्रपति, हमारे माननीय मुख्यमंत्री, हमारे राज्यपाल तथा दूसरे प्रदेशों से मंत्री आए थे, उनको हमने पगड़ी बांधने का सौभाग्य मिला।
मिला और मैं इस पंडाल के मुखिया हमारे डॉक्टर नासिक पुनिया का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस संस्कृति को बचाए रखा है और इस कड़ी में हमारा सहयोग है। हम धन्यवाद करता है, दिल की गहराइयों से सरकार का धन्यवाद है जो इस तरह के आयोजन करवाता है जिससे हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार तो होता है लेकिन उसके साथ हमारी संस्कृति का संरक्षण भी होता है। और डॉक्टर महासिंह पुनिया हर नए नए शोध करते रहते हैं, शोध के साथ साथ हमारी संस्कृति का संरक्षण भी करते हैं। महासिंह पुनिया की विशेष बधाई की बात करें, मैं हरिकेश कपोसा हरियाणवी कलाकार। जो हरियाणवी कलाकार है लगातार काफी सालों से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती पर एक पगड़ी बांधने का विशेष कार्यक्रम है। इनका टाइम लगभग एक मिनट के अंदर 10 पगड़ियां बांधने का है और लगातार मुख्यमंत्री राष्ट्रपति जो भी कोई हमारे मुख्यमंत्री कैबिनेट मंत्री में आते हैं तो यहाँ पर जो भी आएगा गीता जयंती के ऊपर तब पप्पोसा जी अपना सहयोग देंगे। और यही नहीं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी हरियाणा में कलाकार प्रोग्राम होते हैं वो पप्पोसा जी सबसे आगे मिलेंगे। उन्होंने धन्यवाद किया है मियां सिंह पुनिया का जो उन्होंने पुरानी संस्कृति जागरूक रखी है। मेरे सहयोगी समाज के साथ कुरुक्षेत्र से प्रदीप गिर। तो आपके दिल में क्या उमंग उठती कि हम भी आप भी वापसी पुरानी संस्कृति के लिए चले बहुत ज़्यादा आज देख के ऐसा लग रहा है कि वो पुरानी चीज़ें दिख रही है जैसे लड़कियों ने कॉस्ट्यूम डाला हुआ है। अदरवाइज तो ये चीज़ें हम लोग क्या है कि कल्चरल प्रोग्राम में देख पाते हैं, रूटीन में तो ये चीज़ें कहीं दिखती नहीं। अब चाहे वो रागनी का कॉम्पिटिशन है जो भी चल रहा है तो सारी चीज़ें कुल मिला के तो आज आपने पुरानी हरियाणा की संस्कृति देखी तो आप यहाँ पर पुरानी संस्कृति में वापसी चले गए। जी जी तो आप क्या संदेश रहेगा नई जनरेशन के लिए भी बेशक हम कितने एडवांस हो जाएं लेकिन अपने कल्चर से जुड़े रहें, अपनी सभ्यता अपने पहनावे को अपनाएं, अपने पुराने विचारों को अपनाएं और जो अब यहाँ जो दिखाई दे रहा है उससे ये हमारा एक प्रयास, छोटा सा प्रयास हमने किया और इसमें हमने हरियाणा की जो संस्कृति है उसको दिखाया और यहाँ पर हरियाणा की जो पगड़ी है वो देखने को मिलती है, पीटा परंपरा है वो देखने को मिलती है और इसके साथ ही आपको यहाँ पर जो चारपाई बुनाई है वो देखने को मिलती है। हरियाणा का इतिहास है, हरियाणा का खान पान है और हरियाणा की फूल जड़ी है, ईंटी है और इसके साथ साथ आप देखते हैं कि खेती बाड़ी के जितने औजार हैं वो सारे यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इतना ही नहीं, जो गांव की प्राचीन जो वस्तुएं थी जो बड़े बूढ़े यूज करते थे वो सारी देखने को मिलती है। 20 तरह के अलग अलग तरह के खान पान यहाँ देखने को मिलते हैं और उसमें आप चूरमा है, चोको चूरमा है, चाट है, हरियाणवी गोड़ गोड़ गप्पे हैं, वो सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं और सुबह से शाम तक यहाँ पर कार्यक्रम चलता है। और आज मॉरिशस के जो प्रेसिडेंट हैं वो आए थे, उन्होंने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया, मुख्यमंत्री महोदय भी यहाँ पर आए, राज्यपाल महोदय भी यहाँ पर आए और हरियाणा चूरमा खा करके वो गए और वो घने राज्य होकर गए हैं और लोगों का पूरा सहयोग मिल रहा है, साथ मिल रहा है। मैं चाहता हूँ ये कार्यक्रम इसी तरीके आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा संदेश यही है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहो, बुजुर्गों की सेवा करो, अपनी संस्कृति से प्रेम करो।